हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप जो सामान, इन छोटे से सामान से मैं बहुत ही अच्छी यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में भी खा सकते हैं ये, आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। लेकिन अगर व्रत नहीं भी है और अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो तभी भी आप इसको बना के उनको खिला सकते हैं और वो पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। झटपट से होने वाली रेसिपी, तैयार होने वाली है ये रेसिपी। और एक बार मेहमानों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और ये रेसिपी इतनी अच्छी बनने वाली है ना कि क्रंची ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट एकदम से बिल्कुल, कि आपके घर के बुजुर्ग भी इसको इजीली खा सकते हैं। जिन लोगों के दांत नहीं होते वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत कम सामान के साथ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो अभी चलते हैं हम लोग, इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहिए मेरे साथ आप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, कढ़ाई रख दी है मैंने, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है, मीडियम टू लो, लो ही समझिए, ठीक है। तो ये डाल दिया है मैंने साबूदाना, और ये है मूंगफली के दाने, इन सबको भी हम साथ ही रोस्ट कर लेंगे। और ये ले लिया है साथ में मैंने हरी मिर्ची, इन सबको हमें लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। दोस्तों, साबूदाना जो होता है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसके अंदर, तो उसको हमें जब हम भून लेते हैं, अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं ड्राई रोस्ट, तो ये क्रंची हो जाता है और पिसने में आसान हो जाता है। ये अच्छे से इसका पाउडर फॉर्म में बन जाएगा ये। और यही सेम प्रोसेस हमने मूंगफली में भी करना है। मूंगफली का छिलका भी अच्छे से उतर जाएगा जैसे ये रोस्ट हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे ये मिर्चें क्यों डाली हैं इसमें, ऐसी क्या रेसिपी बनाई जा रही है। मिर्चों से क्या होता है, इसके साथ में जो ये रोस्ट होगी ना, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा जो आपकी रेसिपी की क्वालिटी को बढ़ा देगा, बहुत टेस्ट को इसको हाई कर देगा। तो इसके अंदर ही इसलिए हम इसको रोस्ट कर रहे हैं मिर्चों को। तो जब ये रोस्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसकी पहचान क्या होगी कि आप इसको हल्के से, जैसे हाथों से, या व्रत नहीं है तो दांतों से आप इसको दबाएंगे, तो एकदम से ये पॉपकॉर्न जैसा होता है ना, जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी सा वैसे हो जाएगा, क्रंच करके टूटेगा, तो ये इसकी पहचान होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से भुन गया है, कलर भी इसके अंदर आ गया है। और ये देखिए मिर्ची के अंदर भी कैसे बबल से आ गए हैं, और ये हमारा जो मूंगफली के दाने हैं ये भी अच्छे से हो गए हैं, छिलका इसका आराम से निकल रहा है। तो यही चीज हमें चाहिए थी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसमें से कुछ मूंगफलियां मैं अलग से निकाल लूंगी। इसका मुझे क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको अभी, ये मैं आगे बताऊंगी आपको, वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी सी मूंगफली में निकाल लूंगी, और साथ में ही ये मैं ठंडा होने के लिए उसको निकाल देती हूँ। ये देखिए जो दाने नीचे गिर गए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको पहचान, ठंडा होने के बाद में और अच्छे से पता चलेगा। लेकिन अगर हम इसको हम दबाते हैं तो ये ऐसे देखिए कितना आसानी से हल्का सा प्रेस करते ही टूटने लग गए हैं। तो इसी तरीके से ये टूटने लग जाएंगे। अभी ठंडा होने दीजिए इसको। ठंडा होने के बाद में हमने इसको, इन सबको एक साथ पीस लेना है, ठीक है। मिर्ची को हम अलग कर लेंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसको, मैं थोड़ा सा छान लेती हूँ, नहीं भी छानेंगे तो चलेगा, बट होता है क्या, जैसे कि कोई दाना मोटा ना रह गया हो, और ये जो मूंगफली का छिलका है वो भी निकल जाएगा। और मैं आपको बता रही थी ना कि झटपट से कैसे बनेगा ये। अब जैसे ये पाउडर फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है, तो अब इसको अपना एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका हो गया कि आपकी ये मेहनत बच गई, मूंगफली भूनने और इसका जो पीसने का ये सब झंझट खत्म हो गया। छान कर इसको अच्छे से, नहीं भी छानेंगे तो चलेगा, और इसको आपको भून के रख लेना है। देखिए इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, छन गया है,
तो मैं बता रही थी ना थोड़ा सा रह जाता है, अगर इसको आप भिगोते हैं तो भिगोने में जो टाइम वेस्ट होता वो इससे बच जाता है। तो देखिए मोटा मोटा निकला है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं इसके साइड में। अब इसको आप स्टोर कर लीजिए, जितना आपको यूज करना है उतना आप भिगो लेना। तो अभी मैं इसके आगे और क्या होने वाला है मैं बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू को कर लिया है बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है। ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको फाइनली हमें पीसना है मिक्सर जार में, और साथ में ही ये अदरक और हरी मिर्ची जो मैंने रोस्ट करी थी ये भी मुझे इसमें पीसनी है। तो इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मूंगफली के मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं, दो चम्मच दही डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी चटनी जैसी बना लेंगे हम। मैंने भून के रखा हुआ है जीरा, भुना हुआ जीरा। मैंने तीखा के लिए इसमें मिर्ची डाली थी, बट थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और डाला इसमें। बहुत थोड़ा सा नमक डालना है, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये हमारा डिप तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स एक क्लिप मिस हो गया है, जब मैंने आलू पीसा था तो आलू के पेस्ट में मैंने साबूदाने का पाउडर डालकर और उसको कुछ देर के लिए रख दिया था, और उसके बाद में मैंने चेक किया था कि भाई कितना पतला है। अगर आपको पतला गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा पानी डाल लेना और इस तरीके का बैटर तैयार हो जाएगा। फिर मैं दो चीज़ें दिखा रही हूँ जो इसमें यूज़ होने वाली है, ये है तिल, सफ़ेद तिल लिया है मैंने देसी घी। आप चाहे तो उसमें मूंगफली का तेल, जो भी आप व्रत में खाते हो कुकिंग ऑयल, वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पैन की तरफ। अगर तिल नहीं भी है तब भी चलेगा, इससे थोड़ा सा क्या है अच्छा सा लुक आता है नाश्ते का। तो ये देखिए एक एक चम्मच बैटर मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए, चार से पांच टिक्की मेरे इस पैन में आ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर एक बन रही है तो एक डालिए, बस ये है कि हमें अच्छे से इसको सेकनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैटर को इक्वल शेप में ही डालिएगा जिससे कि इक्वल टाइम में ये पकेगी, एक समय पे कुक होगी ये। और बैटर को डालने के बाद इसको हम इसके लेड से 30 से 40 सेकंड के लिए ढक के रख देंगे जैसे कि ऊपर से भी ये अच्छे से कम समय में सिक जाए। तो देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है, अब इसको हम पलट देते हैं दूसरी साइड सिकने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गए हमारे, तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए अच्छे से टिक्की सिक गई है, दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी क्रंची से तैयार हो गई है, तो निकाल लेते हैं प्लेट में। एक बैच और दिखा देती हूँ मैं आपको, इस बार भी सिंगल से ही डालूंगी। देखिए थोड़ा सा रखने से और थोड़ा फूल गया है, ये गाढ़ा हो गया है पेस्ट, लेकिन बहुत परफेक्ट सा लग रहा है मेरे को अभी। ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए था। इसको आप हाथ से थोड़ी शेप दे दीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत इजीली हाथों से ही हम इसको टिक्की की शेप दे सकते हैं, बहुत अच्छा बैटर लग रहा है। अभी ढक देते हैं और अल्टा पलटी करते हुए इसको सेक लेंगे। ये डिप तैयार कर दी है हमने, गाढ़ी हो गई है, फ्रिज में रख दी थी इसको मैंने तैयार करके। चलिए फ्रेंड्स अब प्लेटिंग कर लेते हैं, कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है। ये जो इस प्लेट में कटोरी है इसमें मैं जो डिप तैयार किया है वो मैं डाल देती हूँ।
इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसमें मैं धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहते तो आप धनिया पत्ती का भी टिक्की में इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि मैं करना भूल गई हूँ। आप धनिया पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये टिक्कियाँ मैंने बनाई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब नाश्ता तैयार हुआ है हमारा। देखिए इसका टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। यम्मी, बहुत ही लम्बी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। परफेक्ट मसाले हैं इसमें, देसी घी, तिल, हर चीज का टेस्ट ना उभर कर आ रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन मानिए, आप बनाइए, खाइए, अपने परिवार में खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, सबको खिलाइए। मैं भी खा रही हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।